डॉक्टर्स, पैरामेडिक स्टाफ, नर्सेस पर असामाजिक तत्वों द्वारा आक्रमण हमला करने की लगातार खबरें आ रही हैं। ये बहुत दुखद है कि जो डॉक्टर पैरामेडिक स्टाफ अपने जान की बाजी लगाकर संक्रमण की बिल्कुल परवाह किए बिना और मरीजों की सेवा कर रहे हैं, संक्रमित लोगों की सेवा कर रहे हैं, उनके ऊपर इस प्रकार का हमला किया जा रहा है, ये अत्यंत निंदनीय है। हम कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं और मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने निर्णय लिया है, इसके लिए एक अध्यादेश लाया जा रहा है और जिसमें इस बात का प्रावधान किया जाएगा कि अगर कोई हमला करेगा या कोई इस प्रकार की कार्रवाई करेगा तो वह नॉन अवेलेबल होगा, गैर जमानती होगा, उसके अंदर कड़े से कड़े दंड और सजा का प्रावधान किया गया है। और मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि देखिए, अगर कोई संक्रमित हो गया इसका मतलब कि वह कोई अपराधी नहीं है, और अगर डॉक्टर जाते हैं उनकी चेकिंग करने के लिए, उनका निरीक्षण करने, परीक्षण करने के लिए, उनको गिरफ्तार करने नहीं जा रहे हैं, और उनको अगर क्वारंटाइन में रखा जाएगा, ये कोई जेल नहीं है बल्कि ये आइसोलेशन में 14 दिन रखा जाता है ताकि वो बीमार जो आदमी वो पूरी तरह से और ठीक हो सके। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि ऐसे लोगों को ना तो कोई प्रोत्साहित करे, और कोई इस प्रकार की हिमाकत करेगा वैसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और मित्र, मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि इन्हीं पैरामेडिक और डॉक्टर्स के ये हम लोगों ने ताली और थाली बजाने का काम किया था, हम लोगों ने उनके अभिनंदन स्वागत का काम किया था, और से अगर इस प्रकार की कोई शर्मनाक अगर हरकत करता है तो वह बर्दाश्त योग्य नहीं है। इसलिए वैसे सभी तत्वों को भी हम चेतावनी देना चाहेंगे जो डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ पर हमला करने की हिमाकत कर रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।